हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोतवाल व्लॉग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही फॉर और वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करें अपना हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का व्लॉग मेरा होगा अखरोट पे, वॉलनट पे। जैसे मेरा कैमरा मैन आपको दिखा पा रहे होंगे, ये अखरोट हैं हमारे पास, यहाँ नीचे भी हैं कुछ पड़े हुए। तो ये अखरोट जो वॉलनट कहते हैं जिन्हें हम, उनको कैसे हम पेड़ से नीचे लाते हैं, फिर उनको साफ़ करते हैं, उनका जो बाहर का छिलका होता है उसको छिलकों निकालते हैं, और फिर जो अंदर जो अखरोट होता है हमारे पास जो आप खाते हैं वॉलनट, वो ऐसा कुछ दिखता है, और उसका जो छिलका होता है वो कुछ ऐसा होता है, आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसा छिलका होता है उस अखरोट का। ये रहा हमारा वॉलनट, मैं इसको अभी आपको तोड़ के दिखा देता हूँ। ये अखरोट कैसा देखने के लिए अंदर से कैमरा मैन जी थोड़े कोल आ जाइए, यहाँ से शूट करें आप, हमारे व्यूअर्स को पूरा कोल दिखना चाहिए। ये मैंने तोड़ दिया अखरोट, आप देख पा रहे हैं इसकी जो, जिसको हम गिरी के नाम से जानते हैं, वो कुछ ऐसी होती है, और ये इसका अंदर का जो लेयर होती है, सॉलिड लेयर होती है, इसके अंदर ये सेफ रहता है, बारिश पानी हर जगह चीज़ से। ये तो आप सबको पता होगा कि अखरोट कैसा होता है, तो ये होती है, नॉट बैड। तो अभी कुछ हमारे पास आप देख रहे हैं, भी मैं तो भाई यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये कुछ हमारे पास अभी सॉलिड है, ये हुआ नहीं है पूरी तरह साफ़ करने के लिए, मतलब इसका छिलका नहीं निकल जाए, ऐसा जब होता है इसमें बीच में कट आते हैं, तब ये अखरोट पूरा तरह, इसको हम हिंदी में बोलते हैं खिड़ चुका, ठीक है। तो मतलब ये पूरी तरह हो चुका है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसको पत्थर के तोड़ के, बिल्कुल साफ निकलेगा ये हमारे पास। ये भी अभी पूरी तरह प्रॉपर नहीं हो पाया है, देख पा रहे हैं ऐसा है, ठीक है। तो दूसरा जो हमारे पास है वो तो बिल्कुल ही ख़राब, वो तो बिल्कुल ही ऐसा होगा, इसको हमें थोड़े दिन अभी हम पेड़ से गिरा के, पेड़ से उतार के घर पे सेव रखेंगे इसको, कुछ सेव ट्रिक हैं, ताकि उसका जो है प्रॉपर, ये छिलका है बाहर से, ये प्रॉपर निकल जाए और हमारे पास प्रॉपर सेफ वॉलनट जो हमारे पास आ सकता है, ठीक है। तो मैं आगे दिखाता हूँ आपको कैमरा मैन। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं ये कुछ ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं, ये हैं, और ये आपको देख पा रहे हैं ये अभी तक कच्चा है, वो देखिए वो वहाँ पर निकल चुका है, कुछ कुछ ऐसे देखने के लिए मिलते हैं हमें, ये अभी हमने निकाला, कच्चे होते हैं लेकिन वो अंदर से पूरे पक चुके होते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल सेफ अखरोट पक चुका है। अब इसको भी देख लेते हैं हम यहाँ पे, ये भी पक चुका है हमारे पास, बट अभी इसमें है थोड़ा सा, तो इसको हम, अगर हम जब साफ़ करते हैं अखरोट को, सेलिंग के लिए मार्केट में लेते हैं अखरोट को, तो इनको हम बिल्कुल साफ़ करके देते हैं, मतलब इस तरह का देते हैं कि कोई जो हमारे कस्टमर होते हैं उनको सेटिस्फेक्शन मिले पूरा, ये बिल्कुल रियल साफ वॉलनट है, ये नहीं है कि कुछ ऐसा अगर मिल जाए तो लोग नहीं लेते हैं, तो इसलिए हम बिल्कुल परफेक्ट बना के देते हैं आपसे। मादर चोत तुम्हारी बहन। तो जैसे आप इस बात देख पा रहे हैं कि जो वॉलनट का सीज़न था वो काफ़ी अच्छा हुआ था, बट वॉलनट बड़ी कम लगे हुए हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कैमरा मैन दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी टहनियाँ बिल्कुल खाली खाली पड़ी, उनमें एक भी अखरोट नहीं, बट वहाँ पे कैमरा मैन दिखा पा रहे हैं, थोड़ा जूम कर लिए कैमरा मैन जी, यहाँ पे ये सामने यहाँ पे कुछ अच्छे वॉलनट लगे हुए हैं, बाकी नीचे भी कुछ अच्छे वॉलनट लगे हुए हैं, उस साइड कैमरा मैन जी उधर ऊपर, इस बार हम सोच रहे हैं कि सारा उतार के हम खुद ही यूज़ करें, मार्केट में ना लें, क्योंकि इस बार सीज़न जो वॉलनट का है वो बड़ा कम हुआ है, तो हमारे पास इतना वॉलनट नहीं है कि हम उसको मार्केट में एक्सपोर्ट कर पाएँ, तो इसलिए इस बार का देखते हैं हम। तो ऐसे ही आगे बढ़ रही हमारी वीडियो में, हम आपको आगे और वॉलनट की वीडियो दिखाएँगे हमारे ब्लॉग में बनना। देखिए जो हमारे जो ये वॉलनट होते हैं इनको कैसे उतारा जाता है, ये हमें हमारे पास कुछ हैं, एक बंदे हैं वो हमें दिखा रहे हैं कि कैसे उतारते हैं वॉलनट को। तो ये एक लंबी सी स्टिक लेके उससे मारते हैं अखरोट की टहनी पे, जिसकी वजह से अखरोट हमारे यहाँ पे जो गिर जाते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं छोटा सा लड़का जो हमें इधर दिखा रहा है कि कैसे हमने ये वॉलनट पेड़ से उतारने हैं।
गाइस देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अखरोट वॉलनट को कैसे उखाड़ते हैं और कैसे उतारते हैं नीचे लगा के। जहाँ तक हाथ हमारे पहुँचता है हम उतारते हैं, नहीं पहुँचता है हम लंबी से स्टिक लेते हैं और उससे फूल को अखरोट को उखाड़ते हैं। देख रहे हैं आप, कैमरा मैन दिखाएंगे कि इतनी दूर है और हम कैसे कैसे उखाड़ रहे हैं इनको। देख रहे हैं आप कि इतने अच्छे अच्छे गिर रहे हैं अखरोट। थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा हमें। तो गाइज अखरोट का यही समय होता है सितंबर से अक्टूबर के मंथ में जो हमारे पास अखरोट मार्केट में आते हैं, उसी वक्त ये अखरोट होते हैं खाने के लिए और उसी वक्त ये पेड़ से उतारे जाते हैं लेटेस्ट, और उसी वक्त जो अच्छे अखरोट आते हैं मार्केट में तो सितंबर और अगस्त के मंथ में आते हैं। जब जैसे ही हमारे इधर इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन होता है उसके बाद ये लोग अखरोट को उतारना शुरू कर देते हैं। देखिए ये अखरोट पे ऊपर चढ़ रहा है छोटा सा लड़का, उतारने के लिए ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा लड़का कितनी मुशक्कत कर रहा है अखरोट पे चढ़ने के लिए, पर चढ़ नहीं पा रहा है, इसकी फड़ी बड़ी है। भाई कहीं गिर मत जाइयो तो लगेगी नीचे, आप देख पाने में।